हेलो एवरी वन कैसे है आप सब तो मेरा ना ये फर्स्ट ब्लॉग है इस साल के समर का फर्स्ट समर ब्लॉग है और मैं गार्डन में आ गई थी फ्लावर्स निकालने बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स आए समर सीजन में ये अच्छा लगता है फ्लावर्स अच्छे खिले खिले होते हैं बहुत तरह के फल खाने को मिलता है स्पेशली आम परेशानी होती है जब ज़्यादा गर्मी हो बट बाद में ना ये सब चीज़ों का मज़ा भी गर्मियों में ही आता है तो मैं यहाँ पे फ्लावर में ना ये पानी डाल के थोड़ा रख दूँगी ये फ्रेश रहेगा कुछ दिनों तक और अब मैं ना पीचर जग निकालूंगी क्योंकि मुझे डिटॉक्स ड्रिंक बनाकर इसमें रखना है समर में मैं हमेशा बनाकर रखती हूँ तो साल में एक बार ये बाहर आता है समर सीजन में और विंटर में तो सेम डिटॉक्स ड्रिंक मैं पीती हूँ मैंने शेयर भी किया रेसिपी बट वो गर्म करके पीती हूँ बॉयल करके बट अभी समर है तो हम ठंडा पियेंगे बस आइस वग़ैरह नहीं डालेंगे ठंडा पानी में ये सारा चीज़ डाल के उसे रख देंगे तो इसका जो फ्लेवर होता है ना पानी में इन्फ्यूज़ हो जाता है तो बॉडी के लिए बहुत हाइड्रेटिंग है टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है और ये एक डेढ़ घंटे के बाद आप पियोगे ना तो पूरा फ्लेवर पानी में इन्फ्यूज़ हो जाता है तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है पानी में तो एक ग्लास की जगह दो ग्लास पीने का मन करेगा और यहाँ पर देखिए छेद है इसमें तो इसे क्या होता है ना बीज वगैरह लेमन का जो है वो पास नहीं होता है इसमें से तो इसे मैं टेबल के ऊपर रख दूंगी और बच्चे भी बहुत शौक से ये ड्रिंक पी लेते हैं और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता और टिफ़िन दोनों बनाने तो मूंग दाल स्प्रा स्प्राउट्स का डोसा और चटनी और साथ में ये पटेटो भाजी बना रही हूँ क्योंकि अलीना को ना कोकोनट चटनी नहीं पसंद डोसा के साथ बहुत सिंपल सा है ये बॉयल पटेटो है मैं इसे छोटा छोटा काट लिया है मैंने और यहाँ पर ऑयल ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा देखिए दिखने में लग रहा है ज़्यादा बट सिर्फ एक चम्मच ही है ऑयल और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड सीड कड़ी पत्ता और जिंजर डाल दिया है थोड़ा सा ग्रीन चिलीज इसे डाल के ना अच्छे से थोड़ा सा सोटे कर लेंगे और थोड़ा हल्दी इसी में डाल देंगे क्योंकि बॉइल पटेटो में हल्दी डालने से ना एक ही जगह रुक जाता है पटेटो में पकड़ लेता है इसलिए उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन डाल दिया है और जस्ट सॉफ्ट होने तक तो अनियन को हमें पका लेना है अनियन हल्का सा सॉफ्ट हो गया इसमें हमें बॉइल्ड पटेटो ऐड कर देना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और बॉईल करते वक्त भी ना पटेटो में मैंने थोड़ा सॉल्ट ऐड किया था तो बस इस तरह से मिक्स करके ये हमारा पटेटो भाजी जो है बिल्कुल रेडी हो गया कितना सिंपली आसानी से बन गया ना और यहाँ पे मूंग दाल को ना मैंने किचन टावल में भीगे हुए किचन टावल में लपेट के रख दिया था पहले फर्स्ट एट टू टेन आवर्स मैंने भिगो दिया इसको दाल को उसके बाद पानी डिस्कार्ट करके गीला टावल में डाल के रख दिया नेक्स्ट टेन आवर्स के लिए फिर से और ये स्प्राउट्स आ गया उसमें अच्छा सा और यहाँ ना मैं चुपके से एक मुट्ठी पालक ऐड कर दूंगी डोसा में अलीना पालक वैसे खाती नहीं है तो डोसा में डाल के ग्राइंड कर दूंगी ना पता नहीं चलेगा उसे तो बस यहाँ मिक्सी जार में मैंने मूंग दाल का स्प्राउट्स डाल दिया है और थोड़ा सा अदरक और दो ग्रीन चिलीज़ आप चिलीज़ अपने हिसाब से डाल सकते हो थोड़ा नमक और पानी थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूंगी और ग्राइंड करती जाऊंगी इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है बट उससे पहले ना मुझे पालक ऐड करना है मेरा जार छोटा है इसलिए मुझे इस तरह से दो बार पीसना पड़ रहा है आपका अगर मिक्सी जार बड़ा है ना सारी चीज़ों का एक साथ आप पीस सकते हो और जितना फाइन ग्राइंड करोगे ना डोसा उतना ही टेस्टी बनेगा और डोसे को क्रिस्पी बनाने के लिए हम चावल का आटा यूज करेंगे राइस फ्लार एक कप मैंने राइस फ्लार लिया है उसमें एक कप पानी ऐड करके मैंने मिक्सी में घुमा लिया था ताकि लम्ब ना पड़े तो एक कप स्प्राउट्स के लिए आप एक कप चावल का आटा यूज़ कर सकते हो वन इज़ टू वन रेशियो और आप चाहो तो थोड़ा ना इसको रेस्ट दे सकते हो पंद्रह मिनट के बाद फिर आप बनाओ तो और भी अच्छा रहेगा चावल जो है ना आटे का अच्छे से फूल जाएगा और यहाँ पे मैंने तवे पे हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लिया है तवा अच्छा सा गर्म हो गया है अब इसमें हम डोसा का बैटर डालेंगे और धीरे धीरे घुमा लेंगे और जितनी बार भी आप डोसा का बैटर डालते हो ना तवे पर थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लो क्योंकि चावल का आटा जो है नीचे बैठ जाता है तो मिक्स करके डालोगे ना तो अच्छे से होगा और जस्ट हल्का सा मैंने ऑयल एड कर दिया है और बहुत ही क्रंची और गर्मा गर्म खाए तो बहुत मज़ा आता है बहुत क्रिस्पी बनता है ये डोसा ये देखिए कितना सारा जाली बना है पीछे में बहुत ही यमी डिलीशियस और हेल्दी है ये डोसा दो, गया है अलीना के लिए मैंने स्मॉल साइज़ का डोसा बना लिया है टिफ़िन में देने के लिए तो पहले अलीना का टिफिन यहाँ पे सेट कर देंगे और डोसा को इस तरह से मुझे ना फोल्ड करना पड़ा नहीं तो वो नहीं आ रहा था टिफिन में तो अलीना का आज मूड नहीं है ब्रेकफास्ट करने का तो मैं थोड़ा हैवी दे रही हूँ टिफ़िन तो बस यहाँ पर पटेटो का सब्ज़ी मैंने रख दिया है एक कप केक और मैं साथ में अलि को कोई भी फ़्रूट्स देती हूँ कभी भी स्पेशली सीजनल फ्रूट्स जो होता है जैसे अभी गर्मियों में वाटर मेलन मैंगो ये सब बहुत अच्छा मिलता है टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना इतना अच्छा मिल जाएगा वाटरमेलन मिलन मेलन भी बहुत अच्छा मिल गया और आम भी बहुत अच्छा मिला है तो उसका भी मैं कुछ बनाऊँगी आज तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो बस यहाँ पर अली का टिफिन जो है सेट हो गया है और नेक्स्ट वीक ना अलीना जाने वाली रेसिडेंशियल ट्रिप में स्कूल से लेके जाया जा रहा है मतलब दो दिन तक वो हमसे दूर रहेगी स्कूल के तरफ से अरेंजमेंट हुआ है बच्चों को ले जाया जा रहा है और जब तक हस्बैंड ना अलीना को छोड़ने गए मैं फ़टाफट कोकोनट चट्टी बना लूँगी तो यहाँ पे जस्ट पीनट्स ऐड किया है दो सूखी मिर्च दो लहसन की कलियाँ और बस इसे रोस्ट कर लेंगे एयर फ्राई में आप चाहो तो पैन में भी रोस्ट कर सकते हो तो मैं तीन मिनट का लगा दे रही हूँ बट ये टू मिनट्स में ही हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा पीनट्स वग़ैरह रोस्ट हो गया है तो इसे ग्राइंड कर लेंगे तो बस पीनट्स लहसन मिर्च सूखी मिर्च और यहाँ पे कोकोनट और साथ में नमक और थोड़ा पानी डाल के ना अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे इसे अच्छे से, से ग्राइंड कर लेंगे तो मैंने ये भाजी बनाया है ना सेम ऐसे ही आ, मसाला बनता है डोसे में डालने के लिए मसाला डोसा के लिए तो आप मैश करके ही बना सकते हो तो मैंने थोड़ा तो डिफरेंट बनाया इस बार और हमारी चटनी भी रेडी हो गई है और नाश्ता करने से पहले ना मैं यहाँ पे थोड़ा दूध बॉईल कर लूँगी मैंगो पुडिंग बनाना है मुझे आ, तो जस्ट मैं इसमें थोड़ा सा ब्राउन शुगर ऐड कर दूँगी और इसे बॉईल कर लूँगी जब तक हम नाश्ता करेंगे यहाँ पे दूध भी बॉईल हो जाएगा आप अपनी मर्जी का कोई भी स्वीटनर ऐड कर सकते हो दूध बॉयल करते वक्त और ये डोसा ना बहुत ही टेस्टी बना था साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि हमने स्प्राउट्स का डोसा बनाया है और स्प्राउट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और ये कोकोनट चटनी भी काफ़ी अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को तो जो भी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ गर्मियों का रेसिपी है आप लोग ज़रूर इन्जॉय करना और इतना टेस्टी बना था कि एक भी डोसा नहीं बचा प्लेट में यहाँ देखिए एकदम दूध उबलने वाला था मैं राइट ऑन टाइम आई हूँ नहीं तो दूध उबल के पूरा गैस पे गिर जाता था तो दूध यहाँ बॉईल हो गया है अब बस दूध को ना रूम टेम्परेचर में ठंडा होने तक हम रख देंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें ना बेजिल सीड्स ऐड करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को और मूँग दाल का स्प्राउट्स को मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दूँगी सैलड बनाऊँगी डिनर में और अलीना को ये सॉक्स बहुत पसंद आ गया था संडे मंडे लिखा हुआ है इसमें तो जिस दिन स्कूल जाएगी ना उस दिन उस हिसाब से पहन के जा सकती है वैसे यूके में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है बट धीरे धीरे हमें भी अब गर्मी महसूस होने लगी है और दोपहर में गर्मी लगने लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी हो और रिफ़्रेशिंग कोई ड्रिंक मिल जाए स्पेशली वाटर मेलन का मीठा जूस और ये वाटरमेलन इतना अच्छा है ना अगर आप लेस्टर में रहते हो तो योजर मार्केट से आप ले सकते हो मैंगो और वाटरमेलन दोनों ही बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी मिल गया हमें तो हम लेकर आ गए और इसका मैं जूस बनाऊँगी तो बस इसे मैंने मोटा मोटा चंक्स में कट कर देना है क्योंकि वैसे भी जूसर में जाएगा ये और साथ में मैं खीरा डाल रही हूँ छोटे साइज़ का जस्ट रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत रिफ्रेशिंग हो जाता है जूस खीरा ऐड करने से ये बिल्कुल ऑप्शनल है आपको डालना है तो आप डालो नहीं तो आप स्किप कर सकते हो मैं बेल भी ढूंढ रही थी बेल का शरबत भी ना गर्मी में बहुत अच्छा है बहुत ठंडक देता है बॉडी को वो मिला नहीं मुझे तो यहाँ पे ना मैं जस्ट थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ पुदीना और लेमन से तो यहाँ हमारा रिफ्रेशिंग जूस बनकर रेडी हो गया है वाव मिशेल्स जू। जूस मिशेल्स जूस इज़ दूध हमारा ठंडा हो गया है उसमें हम ये बेजल सीड्स डाल देंगे और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बेजल सीड्स चिया सीड्स को सेम समझते हैं बट चिया सीड्स अलग है और ये अलग है और ये दिखने में कैसा लगता है मैं आपको दिखाती हूँ सामने से क्लोजअप तो इस तरह से दिखता है बेजल सीड्स को भीगने में पंद्रह से बीस मिनट लगते हैं और चिया सीड्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो मैंने हाफ लीटर दूध में ना वन थर्ड कप डाल दिया है बेजल सीड्स और इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके बीस मिनट छोड़ देंगे तो देखिए बीस मिनट के बाद ये इस तरह से दिखता है बहुत अच्छे से फूल गया ये और अब इसे ना जार में डालकर फ्रिज में मैं रख दूंगी क्योंकि ठंडा ठंडा पुडिंग ना बहुत मज़ा आता है और बहुत ही सिंपल पुडिंग है ये कुछ भी तांबाप नहीं है कुछ ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स नहीं है बहुत ही सिंपल मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी और हमारे गार्डन में देखिए कौन आकर बैठी है स्कुरल आई है और मीशो ने उसे डरा दिया उसने चिल्लाया तो ऑर्डर के भाग गई और आज का लंच भी है समर थाली राइस लौकी चना दाल राइस सोया सब्जी बैंगन भाजा पापड़ सैलेड ये सब रहेगा तो सबसे पहले मैं दाल बनाऊँगी मैं दाल भिगोना भूल गई थी आ, तो एक कप दाल ले रही हूँ और गर्म पानी में थोड़ा सा भिगो के रख दूंगी पाँच दस मिनट भी भीगा तो भीग गया नहीं तो कोई बात नहीं ज़्यादा थोड़ा प्रेशर कुक करना पड़ेगा ज़्यादा विसर लगा दूंगी तो काम चल जाएगा जब तक मैं लौकी छील रही हूँ दाल थोड़ा भीग जाएगा और लौकी ना पेट के लिए बहुत अच्छा है ठंडा रखता है पेट को तो समर में तो बहुत ज़रूरी है लौकी ये सब खाना और बस देखिए दाल हमारा थोड़ा भीग गया है तो इसमें मैं हल्दी नमक और लौकी मैंने बड़े बड़े काटे बड़े बड़े चंक्स में तो बस दाल और लौकी को हम प्रेशर कुक कर लेंगे डूइंग Let's, let's hmm? put in. It अब मैं सोयाबीन भी चढ़ा दूंगी बॉईल होने के लिए तो सोया चंक्स को जस्ट नमक डाल के पानी में पांच मिनट बॉईल कर लेंगे और राइस मैंने बैठा दिया था तो राइस हमारा हो गया है और थाली जब बनाते हैं ना तो ऐसा कटोरी शेप आए तो अच्छा लगता है तो साथ साथ गरम गरम राइस को इस तरह से आप किसी कटोरी में डाल के हल्का सा दबा देंगे तो अच्छा सा कटोरी शेप आ जाता है और यहाँ देखिए हमारा दाल भी रेडी हो गया चेक कर लेते हैं दाल गला या नहीं

और यहाँ पर देखिए मैं काम कर रही थी किचन में और मैंने ना सोचा थोड़ा राइस वो खिला दूँगी तो मैंने हल्का सा घी में राइस को स्टर फ्राई कर लिया था और मैंने रखा था ठंडा होने के लिए और देखिए इसने क्या कर दिया है पूरा वैक्यूम करना पड़ेगा क्या हालत कर दिया इस लड़की ने तो अब मैं साफ सफाई करके यहाँ पर आ गई थी किचन में अब मैं तड़का रेडी कर रही हूँ दाल के लिए तो थोड़ा सा मैंने तेल ऐड कर लिया तो यहाँ एक बड़ी इलाई चार लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है साथ में थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स ऐड किया है जिंजर चॉप्ड करके गार्लिक भी मैं इस तरह से क्रश करके डाल रही हूँ आप चाहो तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो और ग्रीन चिली डाला है साथ में थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा हिंग भी डाल दिया है तो ये सॉटे हो गया अच्छे से अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन बहुत थिनली स्लाइस किया है मैंने सॉफ्ट होने तक इसे पका लेंगे और इसमें ऐड करेंगे होममेड मसाला जो मैं बना कर रखती हूँ ना क्यूमिन कोरिएंडर टर्मरिक चिली और गरम मसाले का सब चीज़ों को मिक्स करके मैं रखती हूँ एक डब्बे में और बस मैंने डाल दिया दो छोटा चम्मच मसाला भुना गया तो टमाटर ऐड कर दिया टमाटर को थोड़ा चला लेंगे और साथ साथ नमक ऐड कर लेंगे ताकि प्याज टमाटर हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो देखिए सॉफ्ट हो गया है तेल लूज आउट होने लगा है तो मसाला हमारा जो तड़का है रेडी हो गया है तड़के में हम अपना चना दाल और लौकी वो डाल देंगे और दाल काफ़ी थिक है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे लास्ट में थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे आप चाहो तो कोरिएंडर लीव्स भी लास्ट में ऐड कर सकते हो कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पाँच मिनट ना लो फ्लेम में हम इसे पकने देंगे ताकि जो हमारा मसाला अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए दाल में और लौकी में और तब तक हम बैंगन यहाँ पे ना मैरिनेट कर लेंगे मैं बैंगन भाजा बनाऊंगी बंगाली में इसे बेगुन भाजा कहते हैं तो बॉयल्ड राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में और मस्टर्ड ऑयल में शैलो फ्राई होता है और बहुत सिंपल है जस्ट हल्दी थोड़ा सा मिर्ची पाउडर थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से आप डाल दें और फिर हाथ की मदद से दोनों साइड अच्छे से हम कोट कर देंगे मसाले के साथ अगर आपको ड्राई लगे तो हल्का सा पानी भी आप छिड़क के ना इसे इस तरह से मसाला लगा सकते हो तो बस 10 मिनट इसे हम मैरिनेट होने देंगे और दाल देखिए हमारा पाँच मिनट हो गया है और कितना बेहतरीन लग रहा है ये रोटी के साथ भी अच्छा लगता है चावल के साथ भी अच्छा लगता है और बस सोयाबीन का जो ठंडा हो गया था सोया चंग्स तो मैं उसका पानी निचोड़ रही हूँ तो यहाँ पे देखिए कितना एक्सेस वाटर निकला है कुछ मसाले ड्राई रोस्ट कर लेंगे एक टेबल स्पून धनिया वन टीस्पून जीरा वन टीस्पून स्पून फेनल सीड्स आठ दस काली मिर्च और तीन सूखी मिर्चें ज़्यादा तिखी वाली नहीं है ये सोयाबीन सब्जी में डालना है हमें तो बस इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे इस तरह से ना मसाले को ड्राई रोस्ट करके आप सब्ज़ी में ऐड करेंगे तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और अब हम सोयाबीन की सब्जी बना लेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स ऐड कर रही हूँ और साथ में डालेंगे जिंजर और चॉप्ड गार्लिक यहाँ पे भी आप जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज कर सकते हो बट इस तरह से फ्रेशली चॉप करके डालें ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दो ग्रीन चिलीज मैंने स्लिट करके डाल दिया है और मैंने एक मीडियम साइज का अनियन डाल दिया है फाइनली चॉप करके टमाटर भी डाल दिया है पतला पतला काट के साथ साथ सॉल्ट ऐड कर देंगे और जस्ट इसे हल्का सा हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे सॉफ्ट हो गया है तो जो मसाला हमने ग्राइंड किया है ना इसे भी ऐड कर देंगे और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है रोस्टेड मसाले की और मसाले को अच्छे से भून लेंगे मसाला हमारा भुना गया है तो बस इसमें ऐड कर देंगे सोयाबीन और इसे अच्छे से हम थोड़ा सा दो मिनट मिक्स करके पका लेंगे तो सोयाबीन हमारा अच्छे से आ, मिक्स हो गया मसाले के साथ और आप चाहो तो पानी ऐड कर सकते हो बट मैं नहीं करूँगी क्योंकि इस में डाल रही हूँ ना तो इसमें पालक में बहुत पानी रिलीज होता है अपने आप तो उस पानी से ही काम चल जाएगा और मेरे पास ये ख़राब हो रहा था पालक इसलिए मैंने डाल दिया आप चाहो तो कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो इसे बट बहुत अच्छा टेस्ट आया था पालक के साथ सोयाबीन का मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और यहाँ पे मैं बैंगन भी शैलो फ्राई कर लूँगी और बैंगन को इस तरह से मोटा मोटा ही काटेंगे ना तो अच्छा टेस्ट आता है इसे ढक के दो मिनट मैं पकाऊंगी फिर पलट के फिर वापस दो मिनट पका लूँगी तो ये रेडी हो जाएगा जब तक हमारा बैंगन बन रहा है मैं यहाँ पे लंच सर्व कर लूँगी तो एक तरफ पक गया है तो मैं इस तरह से पलट के दूसरी तरफ भी पका लूंगी और बैंगन भाजा हमारा रेडी हो गया है और ये पापड़ मैं, मैं बेंगलोर से लेकर आई थी संडी के कहते हैं इसे दाल चावल के साथ ना बहुत अच्छा लगता है तो चलिए थाली सेट कर लेते हैं और जब इस तरह से तो दो तीन तरह की सब्जी बनती है ना तो इस तरह से थाली में सजा कर अच्छा लगता है खाने में मीशो को खिला के मैंने सुला दिया है और अलीना आती है स्कूल से सवा तीन साढ़े तीन ऐसा हो जाता है उसे आते आते तो इसलिए हम पहले ही लंच कर लेना पड़ता है हमें नहीं तो बहुत लेट हो जाता है हमें लंच करने में तो अलीना को खाते खाते लंच ना चार बज जाता है तो यहाँ देखिए बच्चों की छुट्टी हो गई है और हस्बैंड भी गए अलीना को लाने तो अलीना आ जाएगी थोड़ी देर में यहाँ अलीना बात कर रही है रेसिडेंशियल ट्रिप के लिए अपनी फ्रेंड के साथ और मिशु ना उसे इरिटेट कर रही है टॉक टॉक फर्स्ट देन यू विल दैट रिलेटेड करेंडू अलीना की फ्रेंड का कॉल आता है ना तो मिशू को लगता है वो मिशू की फ्रेंड है उसे पहले ही बात करना होता है देखिए पीछे पीछे जा रही है अलीना के अलीना इतनी परेशान हो जाती है कि दरवाजा बंद करके बात करती है उससे she is not listening to you he starts talking to aaja i can he is abis she starts talking to aaja <smart noise> और यह हमारा बेजिल सीड्स है ना वो एकदम ठंडा हो गया है तो अब मैं इसका पुडिंग बनाऊंगी तो यहाँ पे मैंगो को मैं इस तरह से स्लाइस कर ले रही हूँ छोटे छोटे क्यूब्स में काटूंगी एक्चुअली और इस तरह से काटना ना मुझे इजी लगता है तो मैं इस तरह से काट लेती हूँ और ये डिटॉक्स वाटर जो है ना ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर से रिफ़िल किया है तो यहाँ पे बहुत सारे मैंगो क्यूब्स मैंने बना लिए हैं और इसे ना ग्लास में डाल के हल्का हल्का मैं मैश कर दूँगी बस लाइटली मैश करना है और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बेजिल सीड्स आप चाहो तो चिया सीड्स भी यूज़ कर सकते हो दोनों का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना सेम है और वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है इवन आप ब्रेकफास्ट में भी इसे खा सकते हो बहुत ही फीलिंग होता है तो अपने मनपसंद फ्रूट्स के साथ कुछ नट्स ऐड करके नट्स ऐड करने से ना थोड़ा क्रंशीनेस आता है तो और भी अच्छा लगता है खाने में तो मैं यहाँ पर ठंडा ठंडा आम डाल रही हूँ क्यूब्स में कट करके तो इस तरह से ग्लास में डाल के ना सजा देने से बहुत ही अच्छा दिखता है हल्का सा ऊपर में कैश्यू नट्स आप चाहो तो कोई भी पसंद का नट्स अपना यहाँ पर आप सजा सकते हो और ये हमारा जो है मैंगो पुडिंग बिल्कुल रेडी हो गया है तो अलीना तो नहीं खाती ना मीशो खाती है मतलब मैंगो खा लेंगे वो लोग बट इस तरह से ना बेजल सीड्स में डाला हुआ उन्हें अच्छा नहीं लगता बट काफ़ी काफ़ी हेल्दी है ये और बॉडी को बहुत ही कूल cool रखता है तो ये तो गर्मी में मस्त ट्राई रेसिपी और अभी शाम के साढ़े सात बज रहे और यहाँ पे रात होती है दस बजे दस बजे अंधेरा होना शुरू होता है तो काफ़ी लंबा है यहाँ पे समर और मैं यहाँ पे ना डिनर में बना रही हूँ सैलेड जो स्प्राउट्स बच गया था और पुराना स्प्राउट्स भी मेरे पास कुछ है वो और बड़े बड़े हो गए तो मिक्स करके और चना डाल के बहुत अच्छा सा सैलेड बनाऊंगी और सैलेड सुनने से हमारे दिमाग में आता है प्याज टमाटर और खीरा आ बट ऐसा नहीं है आजकल सैलेड का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत टेस्टी तरीके से बनाया जा सकता है तो हस्बैंड तो फिर से उन्होंने गेन कर लिया ना इंडिया जा के आप लोगों ने देखा था पेट वगैरह फिर से उनका आ गया है तो फिर से उनका डाइट शुरू हो गया है तो डिनर बहुत लाइट करते हैं वो तो उनके लिए मैं सैलेड वगैरह शाम को मतलब रात में बनाती हूँ तो यहाँ पे पाइन खीरा टमाटर और प्याज ये सब मैं डालूँगी और आजकल सारे डॉक्टर्स बोलते हैं आप खाना खाओ लो इन काव हाई इन प्रोटीन एंड गुड फैट तो इससे आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हो वेट लूज़ कर सकते हो तो हस्बैंड भी वही फॉलो करते हैं और ये सब फॉलो करके काफ़ी काफ़ी वेट उन्होंने लूज़ किया था आपने देखा कैसा मैंने जर्नी भी शेयर किया है यूट्यूब पर उनका तो मैं यहाँ पे थोड़ा मिंट लीव्स डाल रही हूँ आप चाहो तो पार्सले भी डाल सकते हो बेजिल लीव्स भी डाल सकते हो और साथ में ग्रीन चिलीज अच्छा लगता है तो आप डाल दें नहीं तो आप स्किप कर दे हमें अच्छा लगता है सैलेड में और यहाँ पे लेमन और बस अब सैलेड सब मिक्स कर लेते तो मैंने यहाँ पे बॉयल्ड चना लिया है थोड़ा सा साथ में जितना भी सब्जी हमने काटा है ना वो सब डाल देंगे और पाइनएपल ऐड करने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है आप लोग ज़रूर ट्राई करना मैंगलोर में एक बार आ, मामी ने बना के खिलाया था तो तब से हस्बैंड बोल रहे हैं वैसा पाइनएपल डाल के एक स्प्राउट्स का सैलेड बनाओ तो आज मैंने वो ट्राई किया और बहुत ही यमी बना था साथ में लेमन जूस हरी मिर्च बेजिल सॉरी मिंट पत्ते और यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ आप रेगुलर सॉल्ट की जगह ब्लैक सॉल्ट यूज़ करो टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब भुना हुआ क्यूमिन पाउडर थोड़ा सा और चाट मसाला बस इतना ही है इंग्रेडिएंट्स और कुछ भी नहीं इसे अच्छे से हम अब मिक्स कर लेंगे और हमारा हेल्दी सैलड बनकर रेडी हो गया है तो इस तरह के बहुत सारा सैलेड का वेरिएशन है आज तो मैंने ये बनाया फिर कभी मैं कुछ और भी शेयर करूँगी अभी इनका वेट लॉस जर्नी फिर से शुरू हो गया है हस्बैंड का तो बस ठीक है आज के लिए इतना ही होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपना ख्याल रखिए स्टे सेफ़ बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़